तो बीच में रोकना पड़ रहा है इस वक्त भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री का जो नाम अनाउंस किया गया बीजेपी की ओर से, वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं जहां कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय जयपुर में, जहां पर आम कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हैं इस वक्त, जहां पर लोग उनको रिसीव कर रहे हैं, कार्यकर्ता उनको रिसीव कर रहे हैं। और मंच जो बनाया गया, जिस तरह से अभी सोमू हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे, सुरक्षा लवाजमा मौजूद है और आम कार्यकर्ताओं से लबालब एक तरह से कहें कि पूरी तरह से भरा हुआ है बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय। और ये तस्वीरें ये एनडीटीवी पर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, मालाओं से लदे हुए भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरते हुए, कॉरिडोर से गुजरते हुए, और अब सीधा वो रुख करेंगे मंच का, जहां पर कार्यकर्ताओं से हो सकता है वो रूबरू हों, उनसे बात करें। और पहली बार इस तरह से ओपन एक माहौल में भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। नारा आप देख सकते हैं लगातार, नारा जो चल रहा है वो सरकार में बदलने के बाद से, जब से बीजेपी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों चुनावी राज्यों में जीत के बाद दिया था, वहां जो नारा बदला हुआ मिला था कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी सब मोदी को चुनते हैं, वो नारा यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ छपा हुआ है होर्डिंग्स पर। और भजनलाल शर्मा उसके बगल से गुजरते हुए इस वक्त, और सीधा वो रुख कर रहे हैं मंच का, जहां पर लगातार आम कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और सभी निश्चित रूप से अब आम कार्यकर्ताओं के बीच से चुना गया एक व्यक्ति, एक शख्स अब राजस्थान की सबसे बड़े पद पर पहुंचा है, तो निश्चित ही उन्हें भी आम कार्यकर्ताओं को भी खुशी है। और ये एक तरह से कहें कि ये जीत सिर्फ भजनलाल शर्मा नहीं, बीजेपी के रैंक एंड फाइल कार्यकर्ताओं की भी है। लगातार उन्हें मालाओं और बुके से स्वागत किया जा रहा है। तो सोमू मेरे सहयोगी इस वक्त बीजेपी कार्यालय से ही मौजूद हैं। सोमू तो मंच पर पहुंच चुके हैं भजनलाल शर्मा, सेल्फियों के लिए बेताब तमाम युवा लोग, युवा कार्यकर्ता, निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे ये, और सेल्फी खिंचवाने की होड़, उनसे हाथ मिलवाने की होड़ लगी है और माला पहनाने की होड़ है। जी सोमू, जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि भजनलाल शर्मा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ आए हैं, उनका स्वागत, सेल्फी लेने की बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है। जाहिर है कि जब कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो उस उत्साह से को वो प्रदर्शित भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर हैं और फूल मालाओं से उनके स्वागत के बाद सेल्फी खिंचाने की होड़ है। सबके हाथों में फोन है और जाहिर है जब इतना बड़ा प्रदेश का व्यक्ति उनके बीच में हो और वो ऐसा व्यक्ति जिनसे उनका हर संवाद रहा हो, पार्लियामेंट में आना जाना जब भी लगा रहा, तो भजनलाल शर्मा वो व्यक्ति थे प्रदेश महामंत्री रहते हुए जिनसे उनकी मुलाकात होती थी। तो जाहिर है कि उनका कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है अपने चरम पर है और वही उत्साह यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो इतनी व्यवस्थित रूप से सब सारी चीज़ें थी, लेकिन जैसे ही वे आए तो सारी व्यवस्थाएँ जो है वो धरी की धरी रह गई, उत्साह व्यवस्थाओं पर भारी पड़ गया। और जाहिर है कि वो उत्साह ऐसा है कार्यकर्ताओं का जो भारी पड़ना ही था, तो वो हम साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं जहाँ पर भजनलाल शर्मा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो आतुर हैं। और वो भी देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कान है और कार्यकर्ताओं से उसी तरह से मिल रहे हैं जिससे पहले मिलते थे। ये और बात है कि अब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, आसपास लोग कई बातें कहना चाह रहे हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा उसी अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कार्यकर्ताओं को इंटरटेन कर रहे हैं और जो सेल्फी ले रहे हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उससे परेशान हो रहे हों, साफ तौर पे जो उनका एक कार्यकर्ता के रूप में उनका जो अपना अनुभव रहा है उसको ध्यान में रख कर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कोई नाराज़गी ना हो, कोई ऐतराज़ ना हो। और ये वैसा मौका ही है जब वो कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाह रहे हैं और कार्यकर्ताओं से इस आत्मीय भाव से मिल रहे हैं कि कार्यकर्ता ऐसा महसूस न करे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनके भजनलाल जी भाई साहब जो वो कार्यकर्ता उन्हें बुलाते थे उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, ऐसा यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए कि एक मुख्यमंत्री के पास इतने करीब जा कर के लोग मिल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं और वे भी उनके अभिवादनों का जवाब दे रहे हैं। ये अपने आप में ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जयपुर मुख्यालय से हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से। चिर परिचित मुस्कान उनकी और उसके साथ साथ जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और जिस तरह से वो अभिवादन करना चाहते हैं, कार्यकर्ता एक एक करके आ रहे हैं, उस अभिवादन को वे स्वीकार कर रहे हैं।
और किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता उनसे सेल्फी लेना चाह रहा है, उनके साथ उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी का एक गमछा है जो गले में डालने के लिए होता है वो, और मालाएं भी कार्यकर्ता पहना रहे हैं, मालाओं से वो लबालब हो चुके हैं, सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच लगातार वे इस तरह से कार्यकर्ताओं से पेश आ रहे हैं कि उन्हें अपने पुराने दिन जो उनका जी जी सोमू, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं NDTV राजस्थान पर, और तमाम तरह की रंग, सफ़ेद, लाल, पीली मालाएं, कार्यकर्ता निश्चित रूप से बड़े उत्साहित, और पुलिस कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पर कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये क्षण इस तरह का है, ना सिर्फ खुशी का क्षण बल्कि एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट भी की। एक कार्यकर्ता जो उनके साथ हमेशा मौजूद रहा, चुनाव से पहले पार्टी में प्रदेश महामंत्री रहे, अक्सर जब सभाएं होती थी बड़े नेताओं की तो सभाओं की शुरुआत में दिखाई देते थे, और जो अक्सर बताया जाता है BJP में कि घोर रैंक एंड फाइल, चाय पिलाने वाले कार्यकर्ता, वहां पर इंतज़ाम करने वाले, सामान और सामग्रियों का इंतज़ाम करने वाले कार्यकर्ता, उन्हीं में से एक कार्यकर्ता आज उनके सामने सूबे के सबसे बड़े पद पर विराजमान है, तो लाजमी है कि लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। और एक वो फ़ोटो उनके साथ क्लिक कराने की जो हमेशा यादगार तस्वीर रहेगी उनके जीवन के लिए, उनके मोबाइल में ना सिर्फ कैद होगी बल्कि उनकी एक बड़ी मेमोरी का बन जाएगी इस क्षण की, कि वो राजस्थान के एक नए CM के साथ उनका एक जुड़ाव, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता उस जुड़ाव को महसूस करना चाहता है, उस जुड़ाव को अपने साथ संजोए रखना चाहता है। और निश्चित रूप से भजन लाल शर्मा भी कभी इसी तरह के कार्यकर्ता थे, और बड़े नेताओं के साथ इस चीज़ को उन्होंने भी महसूस किया है, जब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें खिंचवाई हों उन्होंने, तो बड़े नेताओं के साथ, और आज वही पल वो एहसास करें तो बड़ा नॉस्टैल्जिक भी होगा उनके लिए कि आम कार्यकर्ता के रूप में इस तरह की कैसी भावना। और तभी तमाम आम कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से वो इज्जत करते हुए, उन्हें पूरा समय देते हुए, पूरी हंसी के साथ, कोई शिकन नहीं माथे पर, भीड़ बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं की, लेकिन सभी को एंटरटेन कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को। हालांकि सुरक्षाकर्मी निश्चित रूप से उनका हक बनता है, सुरक्षाकर्मियों का जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर पूरी मुस्तैदी से, अब जो नए CM हैं तो उनकी सुरक्षा करें, उसको लेकर धक्का मुक्की भी यहाँ देखी जा सकती है। एक फ़ोटो, एक अदद फ़ोटो खिंचवाने को बेताबी दिख रही है कार्यकर्ताओं में सोमू, बड़ा एक तरह से कहें कि कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण ये, सीधे एक आम कार्यकर्ता का आम कार्यकर्ता के प्रति जुड़ाव, और कई चेहरे जिस तरह से हंस रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, और वो वापस मुस्कुराकर उनसे मिल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके कई लोगों के वो कंधे पर हाथ रख रहे हैं, ये सब आम कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ चुनाव में रहे होंगे, और पार्टी पदाधिकारी प्रदेश महामंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा के दौरान उनके साथ में काम भी किया होगा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जिस आत्मीय भाव से वे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं वो जाहिर करता है कि किस तरह से संगठन में उन्होंने काम किया है, और वे इस बात, और यही कार्यकर्ता वो हैं जो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे वक्त से हर चुनाव में जीत दर्ज करवाते हैं, और जाहिर है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ केंद्र में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है, और यहाँ भी जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है उसमें कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है, और आप देखिए कि कार्यकर्ताओं से वो किस तरह से मिल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, और सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, और इसके जरिए जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनता है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में बहुत साफ रूप से सफल हुई है कि अगर आप भाजपा के लिए काम करते हैं तो आप आखिरी कार्यकर्ता हो, आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता हो, दायित्व में हो, किसी भी भूमिका में हो,